वेलकम जी, दिस इज़ मी सैयद असनैन अली जैगम और इस वक्त मैं अपनी यूनिवर्सिटी BZU में मौजूद हूँ। ठीक है, और आज आपको मैं यूनिवर्सिटी का ये इस टाइम जो है इंटरफेस दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी इस तरह की है। अब हम लोग मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। ये इंतज़ारगाह बनी हुई है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। ये सिक्योरिटी विंग का दफ्तर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोग आला तलीम हासिल करने के लिए आते हैं जी। ठीक है, अब आपको व्लॉग का जो है वो मैंने मोबाइल सीधे हाथ में पकड़ लिया है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको पता है उल्टे हाथ से काफ़ी देर तक नहीं पकड़ा जा सकता मोबाइल, और इस टाइम हम बाइक पे जा रहे हैं। ठीक है, आज मुल्तान आया था, फिर आगे चल के आपको अपने दोस्त से मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जनाब मेन गेट की जानिब। मेन गेट पर जाके आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हेलमेट वगैरह पहनी हुई है। अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, आपको मैं बाहर से लोगों दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह का ये लोगो है बाहर पे मेन पे। ये देखेंगे, ये BZU की बसेज हैं। यहाँ के लोग जा रहे हैं बाइकों पे, कोई पैदल फिर रहा है, कोई बाइक पे है तो कोई गाड़ी पे है। ठीक है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी अंदर आ जाती होती हैं, रिक्शे वगैरह भी अंदर आते हैं। देखें आगे साइड से, अब इनको हम सबसे पहले अपना पास जो है वो ये जो टोकन है वो टोकन देना ज़रूरी होता है। टोकन देने के बाद जो है अगला प्रोसेस होता है। वो गेट बंद किया हुआ उन्होंने और वो गेट खोलने का कह रहा है। अब हम जा रहे हैं जी, आपको दिखाते हैं फिर। इस तरह टोकन दे के अब हम लोग बाहर की तरफ निकले हैं। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इस तरह बाहर से निकलिया मेट्रो स्टेशन है सामने। ठीक है, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी का मेन गेट इस तरह से है। यहाँ से लोग आ जा रहे हैं। अब ये जो है ये मेट्रो स्टेशन है, आगे जाके आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल ज़रा बाइक चला लें, फिर आपको दिखाते हैं आगे मेट्रो स्टेशन। बाइक को इस टाइम हमने गियर में कर दिया है, आज आपको हमने मेट्रो स्टेशन दिखाना है और मेट्रोज दिखानी है। देखें यहाँ पे मेट्रोज आपको नज़र आ रही होंगी, मेट्रोज खड़ी हुई हैं। ठीक है, चौक कुमारा के लिए रेडी हैं ये, चौक कुमारा के लिए। कोई चौक कुमारा से कोई आ रही है, रिहाड़ी चौक से आ रही है। अभी देखेंगे, ये लास्ट स्टेशन है। ठीक है, और 56 मिनट में हम रिहाड़ी चौक से यहाँ पहुँचा करते थे, चौक रिहाड़ी चौक से BZU, ये लास्ट स्टेशन है। और पहला स्टेशन वहाँ से उनका चौक कुम्हारा शुरू होता है। ये देखें, ये जनाब एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, बाइक रिक्शे वगैरह भी खड़े रहते हैं। और ये यहाँ से ऊपर जाके तो इस तरह जो है, और ये फ़िलहाल लाइटिंग कर दी गई है, इनका भी रोड बनाया गया ताकि यहाँ पर मेट्रो चल सके। ठीक है, यूनिवर्सिटी का टूर कराया जा रहा है कंप्लीट। जो देखो मेट्रो जा रही है, अभी मेट्रो आगे जाएगी, फिर जाके अगले स्टेशन पे रुक जाएगी, बस इसी तरह ही निज़ाम चलता रहेगा। अब इस वक्त हम जा रहे हैं 6 नंबर पे, वेलकम टू मेट्रो। मेट्रो मॉल है, प्यारा मॉल है ये। और यहाँ पे निश्तर व्लॉग्स के नाम से इन्होंने जो है बनाया। और इस वक्त आप रोड पे जा रहे हैं, आपको जो चीज़ आएगी वो दिखाते रहेंगे, विज़िट करवाते रहेंगे। आगे PSO का पेट्रोल पंप आ रहा है जी। वो
मुल्तान की सर्दी भी मशहूर है और मुल्तान की गर्मी भी मशहूर है। गर्मी तो मशहूर है, सर्दी का वैसे मुझे पता नहीं है। मुल्तान लॉक वाली जगह है, ये नया तो बन रहा है ये सामने। वैसे तो अगर देखा जाए तो मुल्तान में सिर्फ और सिर्फ लॉक वाली जो है वो बीजेडयू ही करवाता है, और प्राइवेट जो है एफिलिएटेड कॉलेज है वो भी बीजेडयू से ही एफिलिएट करते हैं, और कुछ जो है वो ब्रुक्स लॉ कॉलेज बहावलपुर उससे भी एफिलिएट करते हैं। ये आप अगला स्टेशन देख रहे हैं जनाब, इसका नाम मेरे ख्याल में आई थिंक बहादुरपुर है। हाँ बहादुरपुर के नाम से गाड़ी यहाँ खड़ी होगी आज। अब इस तरह जितने भी स्टेशन आएंगे ये रुकती रहेगी, लोगों को खाती रहेगी और लेके जाती रहेगी। ये दिख रहा हूँ स्कूल मुल्तान का, तो आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, ये आगे देखें आप, ये देखें मेट्रो जा रही है हमारे साथ मुकाबला करती हुई। मेट्रो अब देखें, मेट्रो गुजर रही है और ये इन्होंने यहाँ पे मतलब के रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, मेट्रो जाने के बाद ये डोरी से नीचे कर देंगे रस्सी, और वो इस तरह फिर वो लोग आगे से गुजरना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है इस हवाले से, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पेट्रोल पम्प आ गया भी है और साफ सुथरा है शेल का पेट्रोल पम्प, इस साइड पे भी टोटल का पेट्रोल पम्प है। पेट्रोल पम्प यहाँ पे हर अगले चौक में मुझे लगता है बनाए हुए लोगों ने। अब इस वक्त हम जा रहे हैं 6 नंबर 6 ज़ेड के पास, यूनिवर्सिटी से निकले हैं और यहाँ से जाएंगे, एक दोस्त से मुलाकात करनी है उसके पास जा रहे हैं। उसके बाद फिलहाल आपको पता ही है अगर मामला तो पीछे से आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, हम जा रहे हैं अपनी बाइक चलाते हैं। अब आगे भी पेट्रोल रुक चुकी है। ठीक है, ये महमूद कोट आ गया, महमूद कोट का स्टॉप आ गया, गाड़ी खड़ी हो गई है। तो इस तरह जनाब आज मुल्तान का आपको टूर करवाएंगे हम। ठीक है, ये पंजाब कॉलेज आ गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूसीबी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूसीबी, स्कूल कॉलेज है यहाँ का, ये इसका गेट वगैरह, सुपीरियर कॉलेज मुल्तान, सुपीरियर सिटी, सुपीरियर सिटी। तो इस तरह हम आपको आज विजिट करवाएंगे। पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुल्तान का भी नाम आता है जी। अब ये देखें मेट्रो जा रही है, लोग रॉन्ग साइड से ही आते रहते हैं यहाँ पे, जैसे लाहौर में है वैसे ही मुल्तान में है। ये सिलसिला कार है जी, पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है। फिट फिटनेस जिम है, तो आप देख रहे हैं ना जनाब, इंजॉय करें बातों को भी, रोड को भी, लोगों को भी। टाइम आपको मुल्तान का मंजर दिखाया जा रहा है, मुल्तान यूरोप, यूरोप में इस टाइम में मौजूद है। ये देखें DHA मेन ऑफिस यहाँ से, ये अंदर की तरफ ये रोड जाता है। ठीक है,
अब आगे जो रोड आएगा वो बोसन रोड कहलाता है, ठीक है। वो बोसन रोड, खानेवाल रोड, सऊ चौक, निकाना चौक, वो सबको इंटरलिंक करता है। और दूसरे हाथ पे अगर बात करें हम, तो वो जो है वो मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पर जाता है, बिल्ले दा डेरा। मैं ज़रा बाइक चला लूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे निज़ाम आगे चलाया जा सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वैसे अगर देखें तो आगे मालूम मुल्तान आ चुका है, लेकिन मैंने जाना है चेज़ब पे और मुझे तो चेज़ब का रास्ता भी नहीं आता। मैं पूछता हूँ किसी से आगे मालूम मुल्तान के बाद चेज़ब कहाँ पर आता है। आपको और भी दिखा देते हैं निज़ाम वैसे। ये मालूम मुल्तान आ गया, आगे KFC आ गया, अलकैफ आ गया, ठीक है। ये है मालूम मुल्तान सामने, लोगों का रश वगैरह है। लाइटिंग उन्होंने ज़्यादा की है। तो ये निज़ाम था जी। अब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें।